नमस्कार, आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे, अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे, आज की इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वहीं से जहां हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। इस अध्याय को हमने दो भागों में बांटा था। पहले भाग में हमने खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ा था, भारत के किस क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है, उस फसल के लिए किस तरह के मौसम, मिट्टी तथा पानी की जरूरत होती है, ये सब हमने पिछले वीडियो में जाना। आज की वीडियो में हम अखाद्यान्न फसलें तथा कृषि से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, हमारी भूगोल की पुस्तिका का चौथा अध्याय कृषि, उसका भाग दो, अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलें वे फसलें हैं जो कि हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे माल के रूप में उत्पादित की जाती हैं। ये खाने में प्रयोग नहीं होती। अखाद्य फसलों के कुछ रूप इस तरह हैं: रबड़, रेशेदार फसलें, कपास, जूट इत्यादि। आइए अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयोग होता है। इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले नम और आद्र जलवायु की जरूरत होती है। कुछ रबड़ उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं: केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय। रेशेदार फसलें अक्सर कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल प्रदान करती हैं। कुछ रेशेदार फसलें इस प्रकार हैं: कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। यह चार रेशेदार फसलें भारत की प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली तीन मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं और चौथा रेशम के कीड़े के कुकून से प्राप्त होता है। रेशम का कीड़ा मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना होता है, इसी से रेशम उत्पादन होता है। इसको सेरीकल्चर भी कहा जाता है। कपास की फसल का सूती कपड़ा उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। कपास उत्पादन में चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई 210, पाला रहित दिन और खिली धूप की जरूरत होती है। ये खरीफ की फसल है और इससे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। जूट के लिए अच्छी जल निकासी वाली बाढ़ के मैदानों की उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। इसके उत्पादन में मुख्य राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय हैं। इसका प्रयोग चटाई, बोरियां, रस्सी, धागे, गलीचे, दूसरी दस्तकारी की वस्तु बनाने में किया जाता है। जूट का दूसरा नाम सुनहरा रेशा भी है। जूट गर्म और आर्द्र जलवायु की फसल है। इसके तापमान में 24 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक की उच्च तापमान और 120 से 150 सेंटीमीटर की भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। उचित मॉनसून के आने पर पौधे के उचित विकास में मदद मिलती है। लगातार और बेमौसमी बारिश के साथ साथ
लंबे समय तक सूखा इस फसल के लिए हानिकारक है। बुआई अवधि के दौरान एक महीने में 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर के बीच वर्षा पर्याप्त मानी जाती है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधनों के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो गया है तथा इसकी गति मंद होती जा रही है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि, इसमें कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के बाद संस्थागत सुधार करने के लिए चकबंदी, सहकारिता और जिम्मेदारी को समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बंटती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इनके लागू करने में ढील की गई। 1960 और 70 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, इस जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ भी की गई, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PAIS भी शुरू की है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलिए और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार जानेंगे कि हरित क्रांति क्या होती है। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 और 1970 के दशक में हुई। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उपज को बढ़ाना। इस क्रांति में नई टेक्नोलॉजी और अधिक उपज देने वाले बीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। हरित क्रांति के परिणाम सुखद आए, खासकर पंजाब और हरियाणा में। हरित क्रांति के साथ ही हम बात करते हैं श्वेत क्रांति की। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई। अब हम बात करेंगे कृषि की वर्तमान स्थिति की। वर्तमान में कृषि क्षेत्र की हालत अच्छी नहीं है। इस क्षेत्र में विकास तेजी से नीचे गिर रहा है। आयात शुल्क में कटौती के कारण यहाँ के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कड़ी टक्कर मिल रही है। कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं हो पा रहा। इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर नहीं पनप रहे। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी 1951 से लगातार गिर रही है। इसके बावजूद अभी भी कृषि क्षेत्र की सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया करवाता है। कृषि में होने वाली गिरावट
के भयानक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। कृषि के आधुनिकीकरण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। भारत में कृषि सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, कृषि विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सक सेवा, पशु प्रजनन केंद्र, बागवानी, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर खास ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के सुधार के लिए भी सरकार कई कदम उठा रही है। खाद्य सुरक्षा, समाज के हर वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तंत्र का निर्माण किया है। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। बफर स्टॉक, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक सरकारी संस्था है जो किसानों से अनाज खरीदती है और फिर विभिन्न स्थानों पर बफर स्टॉक रखती है। बफर स्टॉक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी भी स्थान पर खाद्यान्न की कमी होती है। बफर स्टॉक को प्राकृतिक आपदाओं के समय ही प्रयोग में लाया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इस कार्यक्रम के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न और अन्य चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। ये चीज़ें ज़रूरी चीज़ें होती हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ लेने के लिए लोगों को राशन कार्ड बनवाना पड़ता है। गरीबी रेखा से नीचे और गरीब रेखा से ऊपर के व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरह के राशन कार्ड बनते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को FCI द्वारा आपूर्ति की जाती है। कृषि का बदलता स्वरूप, समय बदलने के साथ कृषि का स्वरूप भी बदल रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा किसान फल, सब्जियां, तिलहन और औद्योगिक महत्व की फसलें उगाने लगे हैं। इससे किसानों को फायदा तो हो ही रहा है, लेकिन यह खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, वैश्वीकरण के प्रभाव हमेशा से ही देखे जा रहे हैं। जब भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आने का दौर शुरू हुआ तो यहाँ से निर्यात की मुख्य फसलें थी काली मिर्च और मसाले। जब ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग में नील की मांग बढ़ी तो भारत के किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया। नील की बढ़ती खेती के कारण भारत में अनाजों की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आधुनिक समय में कृषि के समक्ष वैश्वीकरण की नई चुनौती है। पश्चिमी देशों के किसानों को अत्यधिक सहायता मिलती है। इसके फलस्वरूप भारत के किसान पश्चिमी देशों के किसानों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत के कृषि उत्पाद की मांग बहुत कम है। वर्तमान में पश्चिमी देशों के किसानों को अत्यधिक सहायता मिलने के कारण भारत के किसान उनसे प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम साबित हो रहे हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत की कृषि उत्पाद की मांग भी कम हो रही है। साथ ही में रासायनिक उर्वरक और सिंचाई के अत्यधिक इस्तेमाल ने नई समस्याएं खड़ी कर दी हैं, जिससे कृषि उत्पाद घट रहा है। भारत में कृषि पर बहुत अधिक लोग निर्भर हैं, इसलिए प्रति व्यक्ति कृषि उत्पाद और भी कम होने वाला है। कई विशेषज्ञों की राय ये है कि कार्बनिक कृषि से इस समस्या से निदान पाया जा सकता है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप रासायनिक उर्वरक और सिंचाई का अत्यधिक इस्तेमाल होने लगा है, इससे कृषि उत्पाद घटने लगा है।
भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज यह कई विवादों में घिरी है। यह आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग जलभृतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है, जिसमें जननिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। जननिक इंजीनियरिंग बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है। वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है। इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसत आधा हेक्टेयर से भी कम जमीन आती है। भारतीय किसानों को शस्यावर्तन करना जरूरी है और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। फलों, औषधियों, पौधों, बायोडीजल फसलों जिनमें जट्रोफा और जोजोबा मुख्य हैं, फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। अनाज के स्थान पर ऊंचे मूल्य की फसलों को उगाकर शस्य प्रारूप में परिवर्तन का अर्थ होगा कि भारत को खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ेगा। 1960 के दशक में इसे एक आपदा के रूप में देखा गया था, परंतु यदि हम कीमती फसलों के उत्पाद निर्यात करके खाद्यान्न आयात करते हैं तो हम भी चिली, इजराइल और इटली की अर्थव्यवस्थाओं का अनुकरण करेंगे, जो विभिन्न कृषि उत्पाद, फल, शराब, जैतून, विशेषकर बीज निर्यात करके खाद्य पदार्थ आयात करते हैं। क्या हम ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं? इस विषय पर वाद विवाद जारी रहेगा। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिनके कुछ विकल्प आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेंगे। आपने इस प्रश्न के उत्तर में सही विकल्प को चुनना है। तो मेरा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब? बिल्कुल सही, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक पश्चिम बंगाल है। चलिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक कौन सा देश है? चीन, भारत, रूस या अमेरिका? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक भारत है। बहुत बढ़िया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? स्थानांतरित कृषि, बागवानी, रोपण कृषि या फिर गहन कृषि? बिल्कुल सही, बागवानी कृषि। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, ज्वार, मोटे अनाज या फिर तिल? बिल्कुल सही, दालें इनमें से फलीदार फसल है।
सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? अधिकतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य या प्रभावी सहायता मूल्य? बिल्कुल सही, ये है न्यूनतम सहायता मूल्य। अब आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ शब्द दिख रहे होंगे, आपने सही शब्दों का मिलान करना है। दालें, दालें फलीदार फसल होती हैं। रेशम, रेशम का कीड़ा मलबरी के पेड़ पर पाया जाता है। कपास, कपास को सूती कपड़े के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेब, नाशपाती और अखरोट, ये सब हमें हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर से मिलते हैं। चाय, चाय मुख्य रूप से असम से आती है। मूंगफली, मूंगफली हमें मुख्यतः गुजरात से मिलता है। जाने से पहले एक छोटी सी गतिविधि आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। आपको अपने परिवार की मदद से एक सूची बनानी है जिसमें खरीफ और रबी की लगभग 10 से 15 फसलों के नाम होंगे। इसके साथ ही अपने अपने राज्य में उगने वाली प्रमुख फसलों के नाम भी आपको बताने होंगे। आज के इस अध्याय के दौरान कुछ पंक्तियां दिमाग में आई जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की जान है। अपना उगाते हैं, अपना खाते हैं, ये हमारा आत्मसम्मान है। हमारा अन्नदाता हमारे लिए भगवान है, तो फिर क्यों उसकी परेशानियों से हम अनजान हैं? क्यों एक कर्ज की खातिर वो लेता अपनी जान है, खासकर उस देश में जिसका नायक उसका सैनिक और उसका किसान है। हम और वीडियोस के साथ वापस आएंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए तथा पढ़ते रहिए। नमस्कार।